हेलो दोस्तों, मैं मनोज प्रजापति आज आप सभी के सामने लेकर आया हूँ एक बहुत ही फेवरेट डिश जिसे कहते हैं चिकन कोरमा। देखिए दोस्तों, आज हम सीखते हैं चिकन कोरमा कैसे बनाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम पैन के अंदर डालेंगे ऑयल, काफ़ी लोग बाग ऑयल के साथ बटर डालना भी पसंद करते हैं तो आप बटर भी डाल सकते हैं, और अगर सिंपली ऑयल में बनाना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप रिफाइंड ऑयल की जगह अगर मस्टर्ड ऑयल की यूज़ करें तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। ऑयल को हम थोड़ा गर्म होने देते हैं। अब हमारा जो ऑयल है वो गर्म हो चुका है, अब हम उसमें डालेंगे क्यूमिन सीड, कार्डमम, सिनामोन एंड मैनी अदर्स। थोड़ा सा बेक होने के बाद में हम इसमें ऑनियन और ग्रीन चिलीज डालेंगे। आप चाहे तो उन्हें साबुत भी डाल सकते हैं, लेकिन हमने उसका जो है पेस्ट तैयार किया है इस पेस्ट को डालने के बाद अच्छे से मिला लीजिए, और आपकी जो पेस्ट की ग्रेवी है या फिर आप ऑनियन डालते हो या फिर चिलीज, उसे लाइट ब्राउन होने तक अच्छे से पकाइए। जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमारा जो ऑनियन है वो अच्छे से लाइट ब्राउन हो गया है। अब आप इसके अंदर डाल सकते हैं आपने जो चिकन जिसे अच्छे से वॉश किया है। एक बेहतर उपाय है जब आप अपना चिकन या मटन कुछ भी जो बना रहे हो उसे वॉश करने से पहले उस पानी के अंदर जो सॉल्ट को है अच्छे से मिला लीजिए, ताकि जो भी बैक्टीरिया जर्म्स होते हैं वो सॉल्ट की वजह से मर जाते हैं। चिकन डालने के बाद इस ग्रेवी में आप 5 से 10 मिनट तक इसे यूं ही रखिए, लो या मीडियम हीट पर इसे छोड़ दीजिए थोड़ा देर पकने के लिए। उसके बाद हम इसमें और मसाले डालेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं आपने जो चिकन डाला था वो अच्छे से मैरिनेट होने के बाद में अ लिटिल बिट पक गया है। अब हम इसमें अपना जिंजर गार्लिक पेस्ट डालेंगे, लहसुन और अदरक का जो हमने पेस्ट बनाया है इसे डालने के बाद 2 मिनट तक पकाएं। चलिए देखते हैं अब क्या कंडीशन है हमारे चिकन कोरमे की। खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। वेल, अब बारी है इसमें अपना सूखा मसाला डालने की। सबसे पहले हम पुट करेंगे इसके अंदर हल्दी, उसके बाद इसमें डालेंगे धनिया पाउडर, ये दोनों मसाले डालने के बाद आप 2 मिनट तक इसे हिलाइए, फिर उसके बाद में मिर्ची पाउडर डालेंगे। जैसे कि हमारी 2 मिनट्स कंप्लीट हो चुकी हैं, अब बारी है इसमें मिर्च पाउडर डालने की। अगर आपका मसाला चिपकने लगे अ लिटिल बिट ऑफ वाटर इसमें डालकर छोड़ दीजिए, और आखिर में आप इसमें पानी डालने से पहले नमक अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लीजिए। काफ़ी लोग बाग जो सॉल्ट है प्याज को भूनते समय डालते हैं ताकि प्याज अच्छे से ब्राउन हो सके, लेकिन हम इस वक्त डाल रहे हैं। वो अपनी अपनी मर्जी है, अपने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लोग नमक को टाइम के अकॉर्डिंग डालते हैं। अब इसे 5 मिनट तक हम छोड़ेंगे, उसके बाद में हम इसमें थोड़ा पानी डालेंगे ताकि ये अच्छे से पक पाए। अब हम इसे ढक देते हैं। हमारे चिकन को 20 मिनट के बाद छोड़ने के बाद अब हम इसमें डालेंगे धनिया लीव्स,
कुछ लोग धनिया लीव्स की जगह कसूरी मेथी का भी यूज़ करते हैं, आप चाहे तो कसूरी मेथी भी डाल सकते हैं, वो एक बहुत ही अच्छा टेक्सचर देती है आपकी ग्रेवी के अंदर। आप धनिए को तब डालिए जब आपको लगे कि हाँ मेरा चिकन अब लास्ट स्टेज पर है पकने की, और आपको देखना है कि आपका चिकन पक गया है या नहीं, तो आप किसी भी पीस को उठाकर देख लीजिए, वो अपनी जो चर्बी या फिर जो मांस है वो बोन से छोड़ना स्टार्ट कर देगा, दैट मीन्स कि वो पक चुका है। धनिया डालने के बाद आप 5 मिनट तक इसको ढककर रख दीजिए। ओके, जैसा कि आप देख पा रहे हैं आफ्टर 5 मिनट्स हमारा चिकन कौरमा बहुत ही अच्छी स्मेल आ रही है, पक के तैयार हो चुका है। ओके, सो इट इज़ रेडी टू ईट। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे YouTube के थ्रू सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।